हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ एक प्रॉब्लम बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन। ये सवाल क्या है उसको पहले समझाते हैं। इट सेड दैट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड। एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल टी सेकेंड लग रहा है। सो व्हिच वन रिप्रेजेंट्स वी वर्सेस टी ग्राफ करेक्टली, ठीक है, वी वर्सेस टी ग्राफ करेक्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमको इसमें से कौन सा सही ग्राफ है उसको पॉइंट आउट करना है। तो चलो इसको डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करने के समय हम लोग क्या समझेंगे, आर्गुमेंट जो है इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जब एक पार्टिकल को मान लो अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ एक स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा। सो लेट इट बी यू मीटर पर सेकेंड। यू मीटर पर सेकेंड से उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लो वो ये ए है, ए से बी तक वो वर्टिकली ऊपर गया, बी में जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम का डिस्कशन करना है तो हम ए टू बी के लिए जो जर्नी है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो क्या लिखेंगे, यू माइनस जी टी। यानी कि इतना तय है कि दिस इम्प्लाइज दैट वी टी ग्राफ लीनियर है, वी टी ग्राफ लीनियर फॉर अपवर्ड मोशन, है ना, लीनियर फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए तो लीनियर हो रहा है, जहां स्लोप जो है ग्राफ का, वी टी ग्राफ का जो स्लोप है, अगर हम इसको कंपेयर करें वाई एक्सिस में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये वाई इंटरसेप्ट है, तो मेरे को वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और जो स्लोप है एम दैट इज स्लोप वो यहाँ इस रिलेशन में वी टी रिलेशन में वो स्लोप कितना है, माइनस जी, यानी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है। यानी कि अगर मैं ए टू बी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सोचूं तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, लीनियर फंक्शन है। तो अपवर्ड मोशन का जो ग्राफ है वो इतना है कि वेलोसिटी ऊपर से लेके नीचे की तरफ लीनियरली आ रहा है। देखो ये स्लोप हमारा थीटा नेगेटिव है, थीटा जो है दिस इज कमिंग मोर देन पाई बाई टू, तो हम जानते हैं कि जब मोर देन पाई बाई टू होगा तभी जाके स्लोप नेगेटिव। सो दिस इज द वन वेयर स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। तो हमारा जो रिलेशन वी वर्सेस टी वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बन रहा है, बनना चाहिए, उसको अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो उसमें हमारा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसीलिए मैं वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखा। सी है यू माइनस जी, ए टेन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल है और टाइम, यानी कि हम जानते हैं कि जब एक पार्टिकल अपवर्ड मोशन के तरफ मूव करेगा तो उसका जो जी है, जी इज डाउनवर्ड। तो ये भी है कि अगर ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसीलिए हमने जी को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि असेंडिंग मोशन में जो समय लगेगा वो हाफ ऑफ द टोटल जर्नी, इसीलिए ये वाला टाइम डेफिनेटली टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू होना चाहिए। ये हो गया असेंडिंग मोशन के लिए, ठीक है। अब चलो कंटिन्यू करते हैं डिसेंडिंग मोशन के लिए, यानी कि जब वो रिटर्न आएगा बी टू ए, जब वापस वो बी टू ए आएगा, ठीक है, बी टू ए, तो बी टू ए में ध्यान दो डाउनवर्ड मोशन, बी टू ए दैट इज डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड में जब जाएंगे, डाउनवर्ड मोशन में जब जाएंगे, अब हमारा जो वेलोसिटी को अगर मैं डाउनवर्ड, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा, अब पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो जी डाउनवर्ड है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बनेगा वो भी डाउनवर्ड है, यानी ऑल द फैक्टर्स भी डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड है। तो हमारा अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
इंक्रीज कर रहा, लेकिन उसका जो विथ रेस्पेक्ट टू अपवर्ड मोशन जो वेलोसिटी अगर अपवर्ड पॉजिटिव था तो डाउनवर्ड को अगर नेगेटिव लिखते हैं तो माइनस वी, ठीक है ना, माइनस वी इज इक्वल टू जीरो माइनस जी टी, इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस वी इक्वल्स टू जीरो माइनस जी टी, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये माइनस वी इक्वल टू माइनस जी टी है, या हम इसको वी इज इक्वल टू जी टी लिख सकता हूँ। तो यानी कि पूरा अपवर्ड और डाउनवर्ड में अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट रखूं, डाउनवर्ड में भी अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपवर्ड को ही पॉजिटिव लेके चलूं तो हमारा डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो उस हिसाब से हमारा स्लोप का मैग्नीट्यूड वही आ रहा है। स्लोप इज दिस टाइम जो वी इज इक्वल टू जी टी वाला ग्राफ है, दिस इज स्टार्टिंग डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी कि हम जो कंटिन्यू मोशन को अगर देखे मतलब टी बाई टू ऑनवर्ड्स, ये तो मैं जीरो से नहीं देखूंगा, अब मैं टी बाई टू ऑनवर्ड्स देखूंगा ना, कारण डाउनवर्ड मोशन टी बाई टू है, तो टी बाई टू ऑनवर्ड्स देखूंगा तो स्लोप मैं नेगेटिव ही रख सकता हूँ। हाँ, अगर आप फिर इसको जीरो से काउंट करो तो तब ये ओरिजिन से जाने वाला लाइन है, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन से जाने वाला लाइन हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि अगर मैं शुरू से लेके ये तब मैं लिख रहा हूँ टी बाई टू से। अब मान लो मैं अगर इंस्टेंटेनियस, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी मेरा स्टिल यही है और मैं एक डाउनवर्ड फेस को लिख रहा हूँ, मान लो कोई पी एक इंस्टेंट है तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड रहेगा, तब इस इंस्टेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस वी इज इक्वल टू U माइनस जी टी। ये अगर मैं शुरू से लेके कोई भी इंस्टेंटेनियस टाइम तक लिख रहा हूँ तो यानी कि टी बाई टू के बाद ये भी नेगेटिव काउंट होगा, यानी कि हमारा जो ग्राफ है, जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो क्या जाएगा, वो ये टी बाई टू के बाद उसी स्लोप में, इसको मैं नीचे की तरफ दिखा सकता हूँ, यानी कि अप टू कैपिटल टी, स्मॉल टी का वैल्यू अप टू कैपिटल टी, ये फिर उतना ही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी तक जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना वेलोसिटी से पार्टिकल को हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं जब वो ग्राउंड में आएगा तो उतना ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड में वापस आएगा, यानी जो ग्राफ है वो ये होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। वेल, तो देखो ये एक सवाल है जहां हमको चार ग्राफ दिख रहा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल को अगर एक सर्टेन हाइट में रेस्ट में छोड़ दिया जाए तो वो डाउनवर्ड गिरेगा, है ना, फ्री फॉल करेगा, तो इन द जर्नी ऑफ फ्री फॉल मोशन जो कि कंटिन्यूसली एक पार्टिकल ट्रेवल करता है अंडर द कमांड ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स ओन वेट दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉन्स्टेंट जी की वजह से जो नीचे गिरता है जिसका इनिशियल वेलासिटी जीरो होता है, तो वैसे पार्टिकल जो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसका वेलासिटी टाइम ग्राफ इस चारों में से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम एक वेलासिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, वेलासिटी टाइम ग्राफ है तो फॉर अ पार्टिकल इफ इट इज रिलीज at some position and released from rest, initially zero है, तो जब वो नीचे गिर रहा है as a function of time, ये t second अगर वो travel कर चुका है तो इस instant में उसका velocity v होगा, during the downward motion it is continuously moving downward under the constant acceleration of g, g से वो नीचे गिर रहा है तो जो instantaneous velocity v instant होगा वो v instant को हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला u प्लस ए टी, यू जीरो है तो दैट इज प्लस जी टी, ठीक है ना,
तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज सिंपली इक्वल टू जी टी। तो ये एक देखो y इज इक्वल टू, इसको अगर कंपेयर करें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ मैच करता है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और जीरो y इंटरसेप्ट है इसका, इसमें कोई प्योर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट जीरो है। और ऐसा लाइन कहाँ से पास करता है? ओरिजिन से। सो पॉजिटिव स्लोप और ओरिजिन से पास करने वाला लाइन। अब है कि इनमें से वो कौन सा लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, तो दो ग्राफ है, एक ए और सी। सी में भी इनिशियल पार्ट ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन सी में क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। और हम जानते हैं कि फ्री फॉल में टिल द लास्ट इंस्टेंट ऑफ इट्स जर्नी उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कभी डिक्रीज होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन ये है जो एक पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है थीटा, जो कि एम है, दिस थीटा इज एक्यूट है ना। ये थीटा हम कह सकते हैं कि टैन ऑफ थीटा, द टैन ऑफ दिस एंगल जो है ये एम, यानी कि वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो सॉरी यहाँ टेन थीटा में एक वेलोसिटी नहीं लिखना है, मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो है डेफिनेटली जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन ए इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर मोशन, ठीक है।